What's up everybody? So, कैसे हो आप लोग? I hope अच्छे होंगे. So, welcome back to my channel and new video. So, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. एंड वो वीडियो क्यों इंटरेस्टिंग है, आप लोग तो थंबनेल एंड टाइटल पढ़ के जान ही चुके होंगे. So, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली इसलिए क्योंकि नई गाड़ी की तो सबको रिव्यू करते हैं, मगर हम लोग करने जा रहे हैं रिव्यू 40 साल पुरानी गाड़ी का, ऑलमोस्ट 35 से 40 साल पुराने गाड़ी का, वो भी एक कमर्शियल व्हीकल. और वो कौन सा व्हीकल आपको पता है, वो एक स्कूल बस रहने वाला है. एंड ये बस का सबसे स्पेशलिटी ये है कि ये गाड़ी 3 से 4 साल से खड़ी है. तो बस को स्टार्ट करने की भी कोशिश करेंगे. तो ये गाड़ी कौन सा, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ. ये रहने वाली है टाटा की 1210 मॉडल. सो आई थिंक ये मॉडल अभी आप डिसकंटिन्यूड हो गई है. एंड ये आपकी 6 चक्का में आती थी. सो इस गाड़ी के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ. एक्चुअली ये टाटा की 1210 है. एंड इसके इंजन से स्टार्ट करूँ तो इसकी 6 सिलेंडर इंजन है, समझ रहे हो, 6 सिलेंडर का इंजन है. कितना बड़ा इंजन होगा बस के लिए, मैं तो आज अभी तो मुझे नहीं याद, मीन्स मुझे जितना पता है अभी के टाइम पे बड़े बड़े बस इन द सेंस रूट वाले ही बस में 6 सिलेंडर इंजन जो इंटर स्टेट करते हैं उन पे 6 सिलेंडर इंजन रहता है. एक्चुअली स्कूल बसेस में तो आज अभी तक मैंने नहीं देखा है कि 6 सिलेंडर इंजन रहे. सो उस टाइम का ये कह सकते हो लीजेंड बस होगा. एंड एक्चुअली इस बस को देखने से मुझे एक ही चीज याद आता है, सूर्यवंशम मूवी की. अमिताभ बच्चन में आप देखोगे अमिताभ बच्चन ने इसी बस का यूज किया था. ऑलमोस्ट सिमिलर टू, उसी एज का भी बस है, 35-40 साल का बस. ओ माय गॉड, समझ रहे हो यार, 35-40 साल का गाड़ी, वो भी बहुत ही ज्यादा कंडीशन में है. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खराब है, मीन्स हाँ अब 3 से 4 साल खड़ा है क्योंकि खड़ा है तो आप देख सकते हो घास वास उग चुका है, तो वो तो माइनस चीज है क्योंकि खड़ी थी. अगर चलते रहते तो हो सके और बेटर कंडीशन में रहता, बट ये गाड़ी अब खड़ा रहती है, ये गाड़ी चलती नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ये गाड़ी हमारी है, आपको बता दिया मैंने, टाटा की 1210. तो इस गाड़ी के सबसे पहले मैं आपको फीचर एंड स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ. सबसे पहले मैं गाड़ी का आपको इंजन का स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ. सो इंजन इसका 6 सिलेंडर इंजन आता है, बहुत बड़ा इंजन है एक्चुअली, वो डंपर ट्रक वर्क का इंजन है उस टाइम में, आप बोल दो 1210 का. सो 6 सिलेंडर इंजन जिसका सीसी ऑलमोस्ट आपका 5800 सीसी का इंजन है. ओ माय गॉड, 5800 सीसी बहुत ज़्यादा नंबर है. एंड ये इसका आपका 130 BHP का इंजन है. एंड जो ये इसका टॉर्क है वो 400 Nm एट द रेट शायद 1500 RPM पे इसका टॉर्क प्रोड्यूस करता है. सो आई थिंक ये इंजन का. एंड ट्रांसमिशन पे आते हैं. सो ट्रांसमिशन पे इसका 5-speed ट्रांसमिशन है, एक्चुअली 5-speed एंड एक रिवर, टोटल 6 गियर है इस गाड़ी पे. तो 6 गियर का ट्रांसमिशन है इस पे. एंड सस्पेंशन पे बात कर लेते हैं. चलो सस्पेंशन आपको नीचे से दिखाते हैं, देख सकते हो लीप स्प्रिंग. एंड इस गाड़ी का नीचे पूरा मीन्स बोलो खोखला टाइप का है. अब मुझे तो लगता है ऐसे ही आता होगा क्योंकि आजकल के नए गाड़ी के चेचिस में बहुत ही सारे इक्विपमेंट रहते हैं और बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं. तो ये आपका डिफरेंसर है. एंड आप देख सकते हो इसमें नॉर्मल लीप स्प्रिंग एंड बहुत सारे पत्ती है. एक्चुअली इसको हम लोग के लैंग्वेज में पत्ती बोला जाता है, तो बहुत सारे पत्ती देख रहा हूँ. एंड मुझे नहीं लगता इस पर इतना मीन्स ये इतने सारे पत्ती आजकल हैवी ट्रक्स में लोड देने के लिए होता है. एंड बहुत लोड झेलने का इसमें मीन्स कैपेसिटी है. एक्चुअली ये बोलो बहुत रफ एंड टफ गाड़ी है. सो टाटा का गाड़ी को आप बोल सकते हो यार अमर है ये सब गाड़ी. सो आपको चलो मैं बीच से भी दिखाता हूँ. सो देखो ये, और ये गाड़ी का टैंक है. ओ भाई बहुत ही बड़ा टैंक है. एक्चुअली छोटा मोटा सिंटेक्स बोल सकते हो, घर में भी लगा के इसमें पानी भर सकते हो. सो आप देखो नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, घास वास पूरा उगा हुआ है. एंड ये आपका फ्रंट में भी पत्ती है. एंड देखो तो ये आपका नीचे से भी हुआ. सो चलो और आपको आगे दिखाते हैं. सो गाइस अब इस बस को फ्रंट से देखो. फ्रंट से तो बस ये बिल्कुल भी नहीं लगता है, एक्चुअली ट्रक लगता है, बट है बस ही, अब मानो या ना मानो. एंड फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ, नॉर्मल हेडलाइट्स आते थे आप देख सकते हो. एंड ये लुकिंग ग्लास हुआ. एंड इसका जो मेन फ्रंट विंडशील्ड है वो 2 पार्ट में देख सकते हो डिवाइडेड. एक्चुअली इसका बेनिफिट्स भी है एंड लॉसेस भी है. बेनिफिट ये है कि अगर आपका गाड़ी समझो इस साइड ठुकेगा तो एक ही आपको मीन्स विंडशील्ड चेंज करना होगा. ऐसे में आजकल मैं पूरा सिंगल विंडशील्ड आता है तो उसे पूरा चेंज करना पड़ता है. तो इससे ये है बेनिफिट कि कॉस्टिंग कम पड़े. एंड बट ये जो बीच में पार्टीशन आया था उसके चलते विजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. सो यही है. एंड देख सकते हो ये इंडिकेटर्स थे दोनों साइड गाड़ी के. एंड टाटा का गाड़ी है. एंड 1210 का देखो बैचिंग है. एक्चुअली 2 थोड़ा सा 2 बैचिंग से हट चुका है. एंड इंडिकेटर इस साइड. सो देखने में गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया थी. एंड ये होल में आई थिंक लगता है आपका वाइपर फिट होता होगा, तो वाइपर है नहीं. अब वो गाड़ी है वही काफ़ी है. लुकिंग ग्लास है. एंड
ऐसा बम्पर रहा। सो बोनेट खोल के देखते हैं। सो रेडियो वाटर देख सकते हो, बहुत ही बड़ा सा रेडियो वाटर है गाड़ी का, तो गाड़ी के हिसाब से अच्छा खासा बड़ा है रेडियो वाटर। एंड ये है आपका मोबिल गेज, तो अभी स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोबिल भी चेक कर लेंगे। सो फ्रंट में इतना ही कुछ था दिखाने को। एंड देख सकते हो गाड़ी बहुत दिन से खड़ा होने के कारण रस्ट खा रही है पूरी गाड़ी, देख सकते हो जहाँ तक पूरा बॉडी रस्ट मीन्स बॉडी में पूरा रस्ट खा रहा है गाड़ी। देखो टायर वायर के भी कंडीशन मीन्स टायर में अभी हवा है बट टायर की कंडीशन खराब है। सो चलो आपको मैं सामने ले जाके दिखाता हूँ कैमरा। सो ये था एक्चुअली गाड़ी का बैटरी बॉक्स, तो यहाँ पे देखो हमने बैटरी लगाया है, बैटरी हम लेके आए थे। एंड सबसे इस गाड़ी का ये 1210 का मुझे जितना पता है ये 1210 का सबसे स्पेशल चीज है कि इस गाड़ी पे सिंगल बैटरी, वो भी छोटा सा बैटरी, एक्चुअली 70 एम्पियर का बैटरी है। 70 एम्पियर मीन्स कंपेयर कर सकते हो आपको नॉर्मल बुलेरो स्कॉर्पियो में लगता है वो बैटरी, तो उतने छोटे से बैटरी से इतना बड़ा गाड़ी स्टार्ट होगा। लेट्स सी होता है कि नहीं, वो तो आगे आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। एक्चुअली जेन्युइनली अभी तक हमने भी इस गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया है, सो करके देखते हैं। सो चलो अब बस के अंदर चलते हैं। सो देखो यार इसका गेट भी गजब का है, देखो इस टाइप का खुलता है इसका गेट, तो मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। सो देख सकते हो अश्विन दिखा रहा है गेट खोल के एंड बंद करके, बंद करके भी दिखा। सो गेट लॉक हो गया एक्चुअली, आप कोई नहीं खोल सकता इसको अंदर से, खोलो गेट अश्विन। तो ऐसे लटक के देख रहे हो, खोलना पड़ रहा है क्योंकि इसका लॉक वॉक भी सब इधर उधर हो चुका है। सो चलो अब बस के अंदर जाने का टाइम आ चुका है। एंड देख सकते हो थोड़ा पानी पानी हो चुका है, आई थिंक पानी अंदर भी घुस रहा था, कुछ मिरर्स खोले हुए थे। सो गाइस हम बस के अंदर आ चुके हैं एंड ये देखो बस का इंटीरियर। ओ भाई एक बार आपको मैं कैमरा पूरा रोटेट करके दिखा देता हूँ। सो सीट्स देख सकते हो। तो चलो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, डैशबोर्ड से। सो आप देख सकते हो यार बस का स्टेयरिंग कसम से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एक्चुअली आप इस स्टेयरिंग को स्विफ्ट के टायर से कंपेयर कर सकते हो, ऑलमोस्ट 14-15 इंचेस का टायर है, मीन्स रीम नहीं ऑन टायर के साथ, तो ये साइज है ऑलमोस्ट ये स्टेयरिंग का। एंड ये स्टेयरिंग के बारे में बता देता हूँ, ये पूरा मैनुअल रो स्टेयरिंग है, कोई पावर नहीं आपको, मीन्स मेन पावर चाहिए एंड अच्छा खासा खा पी के आना होगा इसको चलाने के लिए। एंड डैशबोर्ड देख सकते हो बहुत रोसा है। एंड यहाँ मीटर से कुछ, तो ये आपको नॉर्मल स्पीडोमीटर, एंड स्पीडोमीटर पे आप देख सकते हो ओडोमीटर काम करता है कि नहीं वो तो नहीं पता, बट 110,810 किलोमीटर का रीडिंग दिखा रहा है। एंड ये आई थिंक एयर मीटर है, एयर गेज है, तो ये सबका एयर ब्रेक रहता है तो उसके लिए। एंड फ्यूल मीटर आई थिंक अभी से खराब है क्योंकि हाफ टंकी से ज्यादा बता रहा है। एंड ये आपका टेम्परेचर मीटर, सो इसका काटा गायब है। एंड ये आपका रहने वाला है ऑयल बार है, सॉरी। एंड ये आपका है एम्पियर मीटर, सो ये हमारा एम्पियर मीटर है। एंड ये कुछ स्विचेस एंड लाइट, एंड ये अपर डिपर का, एंड ये जो स्विचेस है। सो देखो ये ड्राइवर सीट है, एंड ये इंजन हुड है, और ये आपका फ्रंट का डैशबोर्ड। सो देख सकते हो यहाँ लाइट लगा हुआ है, वहाँ कुछ स्विचेस हैं आई थिंक लाइट वाइट क्या होंगे। एंड पीछे का आप व्यू देख लो। सो एक्चुअली बहुत ही सारे सीट है, आई थिंक ये 52-सीटर बस है। सो ये 52-सीटर बस था उस टाइम का, बहुत ही अच्छा खासा बड़ा बस था। सो चलो इंजन बॉक्स खोल के देखते हैं, इंजन बॉक्स उठाओ। सो देखो ये इसका है ह्यूज 6 सिलेंडर इंजन, एक्चुअली ये 6 सिलेंडर इंजन है, आप देख सकते हो किनारे से भी। देखो ये इंजन, ये इसका एयर फिल्टर है, एंड ये डीजल फिल्टर, एंड ये आपके पंप एंड ऑल, एंड इंजन रहा। सो ये बहुत ही बड़ा इंजन है, 6 सिलेंडर का इंजन है एक्चुअली। सो इतने बड़े इंजन को चलाने के लिए डीजल भी बहुत लगता है, आई थिंक ये 3-4 का एवरेज देता है। एंड आप देख सकते हो ये टाटा का ओल्ड लोगो है, किसी ने नहीं बताया वो, ये टाटा का ओल्ड लोगो है, अभी तो टाटा का लोगो चेंज हो चुका है। सो ये पुराने गाड़ी में आता था। एंड इस गाड़ी की सबसे स्पेशल थिंग इसका ट्रांसमिशन गियर, आप देख सकते हो कम बहुत ही बड़ा गियर है। एंड अभी स्टार्ट करके देखेंगे गियर वगैरह भी लगा के कैसे लगता है। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग ही बताया 5-स्पीड गियर है, एंड एक रिवर गियर आता था। एंड ये आई थिंक यहाँ पे आपका ब्रेक ऑयल डलता होगा। सो ये रहा गाड़ी के अंदर से। सो गाड़ी के अंदर से गाड़ी को अंदर से दिखाने के लिए इतना ही कुछ था, और तो कुछ खास नहीं है। सो चलो अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आप लोग वीडियो में इतने देर से वेट कर रहे हैं उस काम को करते हैं, आप गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो सो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग दो चीज करेंगे, बैटरी तो लगा चुके हैं एक्चुअली, एंड
आपका इंजन ऑयल चेक करेंगे एंड डीजल चेक करेंगे। तो डीजल चेक करने के लिए यहाँ पे गेज रखा हुआ है, सो इसका मीटर वर्क नहीं कर रहा है, तो इससे हम लोग डीजल चेक करेंगे। सो चलो चेक करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंजन ऑयल चेक कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत दिनों से खड़ा है, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल से खड़ा है, तो इंजन ऑयल चेक कर लेते, हो सके लीकेज हो तो सारे इंजन ऑयल ड्रेन हो चुका हो, तो वैसे हम तो स्टार्ट हम करेंगे, बट लेट्स ही चेक करते हैं। सो ये है इसका इंजन गेज, इंजन ऑयल गेज एक्चुअली, सो इसे पहले साफ कर लेते हैं। सो देख सकते हो इंजन ऑयल तो है गाड़ी में, बट ऑयल का क्वालिटी खराब हो चुका है। हाँ, उतने दिन से खड़े हैं तो उसके ऑयल का क्वालिटी खराब हो चुका है। तो फर्स्ट थिंग, तो इंजन ऑयल है तो इट इज़ अ गुड न्यूज, तो स्टार्ट कर सकते हैं आप। चलो डीजल चेक करते हैं गाड़ी में डीजल है या नहीं, इसे बंद कर लेते हैं। सो गाइस, इसका डीजल टैंक खोलने का भी बहुत यूनिक स्टाइल है, इससे खुलता है। अब यही इसका की है खोलने के लिए, तो इसे अंदर डाल दीजिए। खुल गया हमारा, तो चलो आप डीजल चेक। सो गाड़ी में डीजल है थोड़ा सा, तो हमें क्या बस स्टार्ट करके चेक करना है, तो चलो लेट्स सी, स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो चलो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं, 40 साल का बस। चलो सो गाइस, गाड़ी के अंदर हम लोग आगे बैठे हुए एंड लेट्स सी स्टार्ट होता है कि नहीं। सो ये स्टार्ट करने के टाइम आ गया, तो सबसे पहले ये स्विचेस को देखते हैं क्लिक करके, कोई लाइट वाइट जल रहा है कि क्या। ओ या, अब देख सकते हो अंदर का लाइट, तो इसका मतलब बैटरी से कनेक्शन आ चुका है, बैटरी से कनेक्शन आ चुका है हम लोग के गाड़ी में एंड स्विच दे दिए। चलो स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं हमारा ये गाड़ी। कुछ तो हुआ था सेल्फ ले रहा है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। लेट्स सी, एक बार और ट्राई करते हैं। गाड़ी हमारा हो चुका है स्टार्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं तो यहाँ देख सकते हैं ऑयल मीटर, ऑयल बार है जो एक्चुअली काम भी कर रहा है एंड ये आपका एम्पियर मीटर, देखो ये भी काम कर रहा है, मीन्स बैटरी चार्जिंग कर रहा है। तो गाइस, ये बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना पुराना बस स्टार्ट हो चुका है। तो मान गए हम लोग टाटा ब्रेंड को, रतन टाटा जी को सैल्यूट है कि ऐसे ऐसे गाड़ी बनाते हैं, जब पुराना गाड़ी ये हो चुका है तब भी ये गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। तो अब गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम लोग थोड़ा चला के भी देख लेंगे। तो इसका गियर सिस्टम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जो नए गाड़ी चलाए वो तो नहीं चला सकते। एक्चुअली मैंने इस बस के ड्राइवर से पहले पूछा कि इस गाड़ी कैसे चलाया जाता है, उन्होंने मुझे बताया, तब मैं आके यहाँ बैठा हूँ, मुझे भी ऐसे नहीं पता था, ऐसा नहीं कि मैं एक्सपर्ट। तो आप देख सकते हो इसका जो दूसरा गियर है ये सीधा लगता है एंड फर्स्ट गियर सीधे से चलता है। ओ भाई, गियर बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा ताकत लग रहा है, क्लच को प्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा ताकत लग रहा है एंड ये हमारा ब्रेक। गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, तो चलो थोड़ा सा चला के देख लेते हैं। तो गाड़ी को देखते थोड़ा सा आगे करके गाड़ी बढ़ रही है। ओ तो गाड़ी बढ़ रही है एक्चुअली, गाड़ी हो रही है तो पीछे करते गाड़ी। तो आप देख सकते हैं इतने पुराने गाड़ी को चलते हुए एक्चुअली, और ये सब चीज सिर्फ हमारे चैनल में हो सकता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहे। तो चलो इस गाड़ी को चलाने देखते हैं ग्राउंड पे, क्योंकि ये ग्राउंड पूरा खाली है, तो लेट्स सी चला के देखते कैसे चलता है गाड़ी। और भाई स्टीयरिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड है, दोनों हाथ से मुझे बहुत ही ज्यादा ताकत लगाने पड़ रहा है, मैंने अभी से पसीने छूटने तक चालू हो गया। ये गाड़ी की स्टीयरिंग गलत वलत सब पूरा बोल एकदम रो गाड़ी है, इसमें भी कोई ना पावर स्टेयरिंग पावर क्लच ना पावर यार भाई। तो एक बार ब्रेक चेक कर लेता हूँ, ब्रेक वर्क कर रहा है, तो ब्रेक भी वर्क कर रहा है। तो चलो आप देख सकते हो गाड़ी चल रही है हमारी,
बहुत बढ़िया। हम तो नहीं सोचे थे कि ये स्टार्ट होगा अभी। अरे यार ये तो हम भी नहीं सोचे थे, हम तो सोचे थे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, सेल्फी नहीं होगा, बट ये गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। तो मानते हो ना टाटा की गाड़ी को? हाँ एकदम। तो गाइस, ओ भाई उतरने का देख सकते हो बहुत ही बड़ा छलांग लगाना पड़ता है इस बस में चढ़ने के लिए उतरने के लिए, एंड बस से ही दिखाते हैं आपको। सो ये वीडियो आप लोगों को भी देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। 40 साल पुराना बस और 3-4 साल से खड़ी, स्टार्ट हो चुकी है और चल रही है भाई, मजाक नहीं चल रही है। हाँ वो एक्चुअली देखा गाड़ी धुआं दे रही थी, स्मोक कर रही थी। हाँ आप 3-4 साल पूरा खड़ी है गाड़ी, हो सके कुछ काम मांग रही है सर्विसिंग एंड ऑल। सो चल रहा था यार गाड़ी, मजाक नहीं, एंड चला के नेक्स्ट लेवल फील आया। अभी का गाड़ी तो चलाया है, अभी का गाड़ी मैंने चलाया बहुत सारा, वो तो एकदम बोलो नॉर्मल। एक्चुअली जो बोलते हैं ना बड़े गाड़ी के ड्राइवर्स, इस गाड़ी के ड्राइवर होते होंगे, क्योंकि इन गाड़ी को लंबा चलाना आई डोंट थिंक सो इजी होता होगा, क्योंकि मैं थोड़ा ही से एक राउंड इस ग्राउंड का लगाया मेरा पसीना छूटने लगे और मैं हाफ भी रहा हूँ, आप देख सकते हो स्टेयरिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड, क्लच भी बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो बोलो वर्कआउट हो जाता है इस गाड़ी को चलाने से, जिम जाने की जरूरत नहीं है इस गाड़ी को चलाने के बाद। सो इस वीडियो का हम इंड पार्ट में आ चुके हैं, एंड इस वीडियो को चलो आप इंड करते हैं। सो कमेंट करके आप लोग बताना ये वीडियो कैसा लगा, एंड यार आप लोगों के लिए उतना मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, एंड ऐसे ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड वीडियो को शेयर करो यार, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, एंड दिखाओ कि इतने पुराने गाड़ी भी चल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, एंड मैं थक चुका एक्चुअली इस बस को एक ही राउंड चला के। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।